अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान जामिन। अरसलान मुझे बताएं, हम यहाँ पे आए हैं तो मैंने देखा आप कायदा आजम की तरफ देख रहे थे, इनकी तस्वीर की तरफ, तो क्या सोच रहे थे दिल में, आपके क्या चल रहा था? हकीकत आपने बतानी है जो दिल में चल रहा था और जिसकी खातिर आप यहाँ पे स्पेशली आए। जी हम गुजर रहे थे इधर से, तो इधर मैंने देखी अपना कायदा आजम की तस्वीर देखी है, और जैसे कि आपको पता है कल 25 दिसंबर है, उस हवाले से जैसे मतलब दिल मतलब किया मेरा कि जैसे कायदे आजम के साथ जाके तस्वीर उतारूँ, जैसे वो हमारे लीडर थे तो उनके लिए इधर आके थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली हैं, थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो अच्छा लग रहा था। वैसे मैंने ये पहली मरतबा देखा था इसलिए मैं ज़रा अट्रैक्ट हुआ इस बारे में। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है हमारे, अगर ये होते खैर से जिंदा तो हम ज़रूर इनको देखते, इनके पास खड़े होकर तस्वीर उतरवाने के लिए इनके पीछे पीछे भागते, जैसे दुनिया आजकल सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागती है, तो आपको भी ख्वाहिश थी कि अगर ये होते तो ज़रूर इनके साथ तस्वीर बनाई। हाँ बिल्कुल, वो हमारी एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी थे और हमारी इंस्पिरेशन थे, और आज अगर वो होते तो हम उन्हें ढूंढते। जैसे इंसान चला जाता है तो उसके बाद उसकी कदर महसूस होती है, तो हमें बड़ी कदर है इनकी। तो आज के नौजवान तो बस पैसे को ढूंढते हैं, तो पैसे में इनको ढूंढते हैं, पैसों में तलाश करते हैं। आप वही है, मतलब कि आजकल के नौजवान की यही हाल है कि पैसे के पीछे हैं और ऊपर जो तस्वीर है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो बस यही। अच्छा मुझे थोड़ा सा मेरी नगमा कोई अच्छा सा सुनाए जो आपके दिल में अक्सर चलता है, आप अकेले भी गुनगुनाते रहते हैं। हाँ मेरी नगमा एक सुना देता हूँ, पकड़ेगा ए वतन के सुजीले जवान, ए वतन के सुजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सुजीले जवान, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज़ मेरी, उड़ के पहुँचोगे तुम जिस उफक पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी, चांद तारों के राजदानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सुजीले जवान। वाह भाई बहुत खूब, ये तो बड़े दिल से आपने गाया है, मुझे लगता है अक्सर आप ये गुनगुनाते रहते हैं। बिल्कुल जी, में हमारी मोहब्बत है, मिली नगमे वगैरह कहते हैं और गुनगुनाते हैं। आज के नौजवान को इनके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे जो दिल से आप बात करना चाहें, इनकी रिस्पेक्ट जो है वो किस लेवल की और लोग कर रहे हैं उस तरह से आपको लगता है? जी बिल्कुल, आजकल के नौजवान के लिए ये है कि इनकी मोहब्बत और इनकी रिस्पेक्ट बेलौस है हमारे लिए, और हमारे लिए ये इंस्पिरेशन है। आजकल के नौजवान को चाहिए कि वो कायदे आज़म की शख्सियत से मुतासर हों और अपने मुल्क के लिए कुछ करें, अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचें और अपने मुल्क का इंतखाब अच्छा करें, जो कि हमारे कायद की तरह, हमारे लीडर कायदे आज़म की तरह हो उसका, यानी कि इनको आइडियल बना के इनकी बातों पे अमल करें, उनकी बातों पे चलें, इनके असूलों पे चलें। बिल्कुल, इनके असूलों पर चल के ही हमारे मतलब मुस्तकबिल का, हमारे पाकिस्तान का, हमारे नौजवान के फ्यूचर का कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।